दोस्तों, हाल ही में लद्दाख की सड़कों पर कड़कड़ाती ठंड के बीच बड़े बूढ़े मेल फीमेल समेत हजारों की संख्या में लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। लद्दाख के लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट से लेकर जांस्कर और नुब्रा जैसे रिमोट वैली रीजन तक जुलूस और विरोध प्रदर्शन में लोग रिकॉर्ड संख्या में शामिल हो रहे हैं। देखा जाए तो इन्हीं प्रोटेस्ट के चलते लद्दाख के सभी हिस्से बंद कर दिए गए हैं, साथ ही कई डिस्ट्रिक्ट्स में कंप्लीट शटडाउन लगा हुआ है। बिजनेसेस अपनी डेली एक्टिविटीज बंद कर चुके हैं, रोड्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, लद्दाख की एक जानी मानी फिगर और इन प्रोटेस्ट की कैंपेनर सोनम वांगचुक ने कहा है कि वो 19 फरवरी से आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। फिर ऐसे में सबको सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों लद्दाख में एजिटेशन का कारण क्या है, साथ इन प्रोटेस्टर्स की मांगें क्या हैं और इन मांगों के पीछे का पूरा माजरा क्या है और क्या उन डिमांड्स को फुलफिल किया जा सकता है। दोस्तों, आइए सबसे पहले इन प्रोटेस्ट को डिकोड करने से शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में 3 फरवरी को लेह की सड़कों पर इन प्रोटेस्टर्स की रैलीज देखी गई। देखिए, असल में प्रोटेस्ट लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा उनके लेह चलो कैंपेन के तहत ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। देखा जाए तो लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लद्दाख के दो लोकल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं। ये दोनों यहाँ काफी टाइम से लद्दाख के स्टेटहुड और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में लद्दाख के एडिशन की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुकात रखता है, साथ इनकी 4 मुख्य डिमांड्स हैं। लेह एपेक्स बॉडी के साथ साथ कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बौद्ध बहुमत और शिया मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुल मिलाकर लद्दाख को राज्य का दर्जा देने, संविधान की 6th अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने और इस तरीके से आदिवासी दर्जा देने और ज्यादा नौकरियों की डिमांड कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण और लेह तथा कारगिल के लिए एक एक संसदीय सीट इनकी मुख्य मांगों में से एक है। दोस्तों, देखा जाए तो लद्दाख में डिमांड्स पहली बार नहीं हुई है। आप देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों में लद्दाख में आए दिन ये डिमांड्स उठती आई हैं। दोस्तों, अगर इन प्रोटेस्ट की जड़ में जाएं तो हमें ये पता चलता है कि लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स में जिन प्रोटेस्ट को आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो असल में आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के अगेंस्ट हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति को समाप्त करने और इसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड करने का फैसला किया था और तभी से 59,146 स्क्वायर किलोमीटर में फैले लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था। आपको बता दें कि साल 2011 के सेंसस के मुताबिक लद्दाख में 2.74 लाख की पॉपुलेशन रहती है। ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी यूनियन टेरिटरी है। यहाँ बौद्ध धर्म के लोग इसके लेह डिस्ट्रिक्ट जबकि शिया मुस्लिम कारगिल डिस्ट्रिक्ट को डोमिनेट करते हैं। खैर, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से लद्दाख एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर के बिना काम कर रहा है। लद्दाख के लोगों की एक बड़ी डिमांड ये भी है कि उनको एक पावरफुल लेजिस्लेचर दिया जाए और वो खुद को सेल्फ रूल कर पाए। दोस्तों, अभी इस केंद्र शासित प्रदेश को 2 इलेक्टेड हिल काउंसिल्स यानी कि LSDC लेह और LSDC कारगिल द्वारा गवर्न किया जाता है, जिनकी ऑटोनोमी एक लेजिस्लेचर की तुलना में काफी कम है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद आए चेंजेस को यहां के लोकल रेजिडेंट्स के द्वारा शुरुआत में खूब वेलकम किया गया था। दोस्तों, प्रोटेस्टर्स के मुताबिक उन्हें उम्मीद थी कि बदलाव उनकी भूमि और आजीविका की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाएगी, लेकिन उनके मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। यानी साफ है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद लद्दाख में जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए हैं, प्रोटेस्ट उन्हीं के खिलाफ हैं। निवासियों को अब चिंता है कि नई दिल्ली में उनकी सहमति के बिना स्वीकृत विकासात्मक और औद्योगिक परियोजनाओं से लद्दाख के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा होगा और भारत के अन्य हिस्सों से लोग जाकर वहां बसेंगे, जिससे क्षेत्र की मुख्य रूप से आदिवासी जनसांख्यिकी बदल जाएगी। दोस्तों, इसी के चलते लद्दाख के राजनीतिक नेताओं, नागरिक समाज के सदस्यों और छात्रों के एक समूह ने लद्दाख को एक अलग राज्य घोषित करने और अपनी नौकरियों और भूमि अधिकारों की रक्षा की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि लद्दाख में उसके यूथ की गैजेटेड जॉब्स के लिए लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाए और इस कमीशन को स्टेट सर्विसेज में यूथ के रिक्वायरमेंट के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाएं, साथ ही हिल काउंसिल्स को लोअर लेवल के स्टाफ को हायर करने की ऑटोनॉमी दी जाए। दोस्तों, आपको बता दें, जब तक आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन नहीं हुआ था, तब लद्दाख को स्टेट असेंबली में 4 सीट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 सीट्स दी जाती थी, लेकिन अब उसके पास लोकसभा में केवल 1 सीट जबकि राज्यसभा में कोई सीट नहीं है। और ऐसे में उनका कहना है कि वो राजनीतिक रूप से बेदखल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख की ऑटोनॉमस हिल काउंसिल्स को नई दिल्ली के डायरेक्ट रूल के तहत फुटनोट पर सीमित कर दिया गया है। लद्दाख के निवासी मांग कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र को भारत के संविधान की 6th अनुसूची में शामिल किया जाए, जो उनके आदिवासी और स्वदेशी आबादी वाले क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान कर पाएगा। आपको बता दें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। दोस्तों, 6th शेड्यूल इन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को तो ऑटोनोमस एंटिटीज की तरह ऑपरेट करने की ऑटोनॉमी देता है। 6th शेड्यूल के प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 के सब क्लॉज 2 और 275 सब क्लॉज 1 के तहत प्रदान किए गए हैं।
देखा जाए तो सिक्स्थ शेड्यूल के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से यह है कि इन ट्राइबल एरियाज को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और ऑटोनोमस रीजन्स के रूप में एडमिनिस्टर किया जाता है। छठी अनुसूची के प्रावधान के तहत राज्य के गवर्नर यानी कि राज्यपाल के पास एरियाज को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और ऑटोनोमस रीजन्स के रूप में निर्धारित करने का अधिकार है। दोस्तों, गवर्नर के पास एक नया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या फिर रीजन बनाने के साथ ही साथ एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या फिर रीजन्स के टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन या नाम बदलने की भी शक्ति मौजूद है। खैर, अब लद्दाख पर वापस आए तो वहां के लोगों की मांग यही है कि लद्दाख को भी इसी शेड्यूल की लिस्ट में ऐड कर दिया जाए। साथ उनके मुताबिक आज इन प्रोटेस्ट के जरिए ये लोग अपनी विशिष्ट पहचान और विरासत की रक्षा करने और लद्दाख को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि सरकार ने 3 साल पहले केंद्र शासित प्रदेश बनने पर लद्दाख के लिए सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था, लेकिन उनके मुताबिक अभी तक इस वादे पर अमल नहीं किया गया है। दोस्तों, आपने देखा होगा इन प्रोटेस्ट में शिक्षा सुधारक और क्षेत्र के लोकप्रिय चेहरों में से एक सोनम भी थे, जिन्होंने हिंदी फिल्म 3 इडियट्स को प्रेरित किया था। मैग्सेसे अवार्ड विनर सोनम वांगचुक काफी लंबे टाइम से लद्दाख के निवासियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2022 में ही उन्होंने -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में 5 रातों तक खुले आसमान के नीचे सोकर प्रतीकात्मक रूप से विरोध किया था। दोस्तों, उनके विरोध का उद्देश्य लद्दाख के लिए अधिक ऑटोनोमी की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करना था, क्योंकि उनका मानना है कि यदि क्षेत्र को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली तो यह दूसरा तिब्बत बन सकता है। दरअसल लद्दाख एक विरल आबादी वाला क्षेत्र है जो बंजर और बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये कई हिमालयन झीलों और कई छोटे और विशाल ग्लेशियरों का घर भी है, लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि क्लाइमेट चेंज के चलते क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से घट रहे हैं। वांगचू के मुताबिक इस रीजन में स्ट्रक्चरल चेंजेस और खनन का विकास इस समस्या को बढ़ा सकता है, जिससे लद्दाख की क्लाइमेट साइकिल बहुत बड़े खतरे में पड़ सकती है। देखा जाए तो उनका तर्क है कि क्षेत्र को उन उद्योगों के आगमन के रोकने के लिए अधिक ऑटोनोमी की आवश्यकता है जो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों को ला सकते हैं और इसे नाजुक संतुलन को बाधित कर सकते हैं। हाल के वर्षों में कई उद्योग समूहों ने बुनियादी ढांचे और खनन के विकास के लिए लद्दाख की खोज में रुचि दिखाई है, जिसके चलते क्षेत्र के निवासी बेचैन हो गए हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें डर है कि बहुत अधिक लोगों के आने पर नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो सकता है। वांगचुक यही सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं कि लद्दाख की ऑटोनॉमी सुरक्षित रहे और इसके निवासियों को अपनी ही भूमि में माइनॉरिटी बनने के लिए मजबूर न किया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि सब पहली बार नहीं हो रहा है। लास्ट 4 ईयर्स में स्थानीय लोगों के अशक्त होने और ब्यूरोक्रेसी की पकड़ बढ़ने की आशंकाओं के चलते लद्दाख कई बार बंद हुआ है। साल 2021 के अगस्त महीने में LAB और KDA अपनी मांगों को बढ़ाने के लिए एकजुट हुए थे। फिर ऐसा ही एक प्रदर्शन लद्दाख के कारगिल जिले में भी हुआ, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने 6th शेड्यूल में लद्दाख की जगह बनाने और लद्दाख के लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण सहित अन्य के पक्ष में नारे लगाए। जबकि इससे पहले जनवरी में LAB और KDA द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस क्लब जम्मू के बाहर एक प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जहां उन्होंने विरोध कैलेंडर की भी घोषणा की थी, जिसमें फरवरी के 3रे सप्ताह में दिल्ली में एक रैली शामिल है। 200 PTI के मुताबिक शीर्ष संस्था तुपुस्तान शेवांग ने संवाददाताओं से कहा कि हमने गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति से दूर रहने का फैसला किया है, क्योंकि सरकार ने हमारे 4 सूत्री एजेंडे को नजरअंदाज कर दिया है और पैनल की संरचना के बारे में भी हमारे सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही अपने डिप्टी सरिंग दोरजे लाकरू, KDA के सहअध्यक्ष कमर अली अखून और असगर अली करबलाई के अलावा अलग अलग गैर भाजपा दलों से जुड़े अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने कहा कि वे लद्दाख के लोगों से संबंधित मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत के खिलाफ नहीं हैं। पूर्व मंत्री करबलाई ने कहा कि वे अपने 4 डिमांड्स के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें लेह और कारगिल जिलों के लिए 2 अलग अलग संसदीय क्षेत्रों का निर्माण और लोक सेवा आयोग के निर्माण के साथ साथ लद्दाख के युवाओं के लिए भर्ती और नौकरी आरक्षण शामिल है। साथ ही आगे उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के रवैये को देखते हुए हमने अपना आंदोलन और तेज करने का फैसला किया है और ये लेटेस्ट प्रोटेस्ट उसी का हिस्सा था। हम फरवरी के 3रे सप्ताह में जंतर मंतर दिल्ली जाएंगे और इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम हड़ताल करेंगे। दोस्तों, इस कड़ी पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पांस की बात करें तो आपको बता दें कि उन सब से मुंह मोड़ के नहीं बैठे हैं। गृह मंत्रालय ने लोगों की शिकायतों और मांगों को संबोधित करने के लिए साल 2022 में मिनिस्टर जी किशन रेड्डी और साल 2024 में नित्यानंद राय द्वारा हेडेड 2 कमिटीज का निर्माण किया है। आपको बता दें कि होम मिनिस्टर फॉर स्टेट्स नित्यानंद राय के नेतृत्व वाली समिति ने पिछले साल 4 दिसंबर को अपनी पहली बैठक की और अगली बैठक 19 फरवरी को होनी है। 200 कमिटीज LAB और KDA के मेंबर्स के साथ एंगेज करने का काम कर रही हैं। 4 दिसंबर को इन दोनों सिविल सोसाइटी ग्रुपिंग्स ने नई दिल्ली में केंद्र द्वारा गठित एक समिति के साथ बातचीत की थी, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए नौकरी आरक्षण और लेह व कारगिल जिलों के लिए एक एक संसदीय सीट की मांग भी की थी। और इस दौरान सेंटर ने ये एश्योर किया कि वो लद्दाख के सभी इश्यूज को रिजोल्व करने के मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि लद्दाख को अपने निवासियों की सुरक्षा के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्होंने किसी भी डेमोग्राफिक चेंज से भी इनकार किया है। खैर, इसी कड़ी में अगले दौर की बातचीत 19 फरवरी को होनी है।
दोस्तों ऐसे में इस डिस्कशन के बाद आप ये समझ गए होंगे कि लद्दाख में इन प्रोटेस्ट का कारण क्या है, और अब देखने वाली बात यह कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रोटेस्टर्स के मुद्दों को कैसे रिजोल्व करती है। दोस्तों आप किस पर राय क्या है, हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।